मेरा राजेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ से आए हो? मैं ग्राम बरधा से। आप पिंड भर के लिए आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितने किलोमीटर का सफर करना? जी लगभग 121 किलोमीटर हो जाएगा या 125 भी हो सकता है। वहाँ भोपाल का पता नहीं है कौन किधर मिलेगा। तो वर्धा से विदिशा की दूरी है नीमताल की 52 किलोमीटर और लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर का तो पता है। दो जगह जाएंगे भोपाल में इधर से उधर, तो हो सकता है 10 15 20 जितना भी हो जाए, लेकिन 121 अपन मान के चल रहे हैं। कहाँ से पिन भरते चालू हुए थे? वर्धा से हुए थे 19 तारीख को। एक दिन में कितना सफर कर लेंगे? 11 12 13 कभी 10 भी हो जाता है। शुरू में 5 हुआ था, दोपहर से स्कूल से किया था अपन ने। क्या मांग है आपकी? हमारी दो मांग है। जब थोड़े अपन ने गांव पे देखा कि बच्चों की थोड़ी असुविधा है कि बच्चे 12वीं के बाद जिनकी उपस्थिति कम रहती है, 12वीं के बाद अपन पूछते हैं कोई बच्चे से कि कॉलेज कितने दिन जाते हो, तो वो अधिकतर यही कहता है महीने में एक आध बार चले जाते हैं। समस्या किराए की आती है। हमारे इधर से 140 रुपये एक बच्चे का लगता है और दो बसें चेंज करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से बहुत से बच्चे ऐसे देखे। अभी सोयाबीन की कटाई शुरू हुई थी तो कहीं 300 लगे, मजदूरी 400, वो तो देखते हैं कि 400 लग रहा है, तकलीफ होती है, लेकिन उन्हीं पैसों से बच्चे कॉलेज आ रहे हैं तो मन में कुछ तो भाव जागते हैं। और क्या मांग है? तो यही मांग है पहली के जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और शहर में भी जो दूर दूर रहते हैं गरीबों के बच्चे, उनको कॉलेज तक का आने का किराया मिले जिससे उनकी उपस्थिति बढ़े। कि जो बालक 12वीं में अच्छे मार्क्स लाया है, कम से कम 100-150 दिन गया होगा, और 12वीं के बाद ऐसा क्या होता है वो साल में 20 दिन जाता है, जबकि उसके सपने तो 12वीं तक ही देखे थे उसने कि अब तो मैं रोजगार से लग जाऊंगा। मिलोगे आप? हम यहाँ विदिशा में 26 तारीख को जो भाजपा कांग्रेस और जो भी दल हैं और जो भी लोग आ जाएंगे उनका नीमताल पे गांधी जी की प्रतिभा के पास ज्ञापन देंगे कि हमारी मांग है, ऊपर पहुँचाएँ अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास, और फिर इसके बाद हम भोपाल रवाना होंगे पिंड भरते हुए। 6 दिन की यात्रा वहाँ है, 11 दिन की यात्रा है हमारी। और दूसरी मांग ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी छोटी सड़कें जो मुख्य सड़क पर मिलती हैं, तो वहाँ पर लेडीजों के लिए शौचालय नहीं है। अपन ने लेडीजों के लिए व्यवस्था तो कर दी कि आओ पढ़ो लिखो बैंक में पैसा आओ सब कुछ, लेकिन उनके लिए कहीं सुविधा नहीं है। एक एक दो दो घंटा बैठना पड़ती है। अब पुरुष तो ऐसा है कहीं भी चला जाए, लेकिन लेडीज के साथ दिक्कत आती है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।